हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो खास हम इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं नर्सरी में बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है और पूरी नर्सरी तालाब बन चुकी है। तो थंबनेल में हमने आपको दिखाया है कि नर्सरी का बन गया तालाब, तो इसका मतलब है कि पूरी नर्सरी के अंदर ही तालाब, मतलब आप नर्सरी में जो क्यारियां बनी होती है वो क्यारियां देख ही नहीं सकते। आप देखें कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है और कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे भर चुका है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा पानी हमारी नर्सरी में भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको जो भी बात लगती है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी नर्सरी की जो एंट्रेंस है वो देखें, यहाँ पे भी पूरी नर्सरी में ये नीचे हमने ब्लॉक बिछाई हुई है और यहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो चुका है। और ये देखें साइड में, यहाँ पे जो खेतों के चारों तरफ बाउंड्री करते हैं वो पिलर यहाँ पे बने हुए हैं और ये सारे लबालब पानी से भर चुके हैं। और वहाँ पे जो वो रखी हैं वो हैं सब चेयर्स, जो सीमेंट की चेयर्स होती है जो पार्क्स वगैरह में रखी होती है, जितने भी पार्क होते हैं उनमें सब में आपको चेयर मिल जाएंगी। तो इनकी भी तिराई अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पे तो ये जूते भीगने का भी डर है आज। तो ये देखें सभी गमलों के अंदर पानी ऊपर तक भर चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये जितनी भी क्यारियाँ हैं इनमें पानी ऊपर तक भर चुका है। इन सभी क्यारियों में पानी बिल्कुल ऊपर तक भर चुका है। अब हम चलते हैं नर्सरी के पीछे वाले हिस्से में जहाँ पे पूरी की पूरी नर्सरी तालाब बन गई है। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं नर्सरी में थोड़ी हमारी नर्सरी के पीछे वाले हिस्से की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी गहराई है और आप यहाँ देखें ये जितने भी पौधे हैं ये सारे के सारे कैसे पानी में बिल्कुल लबालब हो चुके हैं। इनकी थैलियां नज़र ही नहीं आ रही इन पौधों की, क्योंकि पानी ऊपर तक भर चुका है। ये देखें, अरे ये क्या, ये तो मैंने अभी देखा है। ये देखो, यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो बड़ी बड़ी थैलियों में हैं वो नीचे गिरे हुए हैं उन दूसरे पौधों के ऊपर। तो इनको भी हमें जल्दी ही उठाना होगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो बड़े बड़े साइज़ के बोटल पाम रखे हैं ये सारे, ये भी जितने भी हैं ये सब, ये भी पानी में डूब चुके हैं। मतलब यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 फीट तक पानी इकट्ठा हो चुका है। तो दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। कई बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसके अंदर अंदाज़ा ही नहीं आता कि कितना पानी भरेगा, कैसे क्या होएगा। तो वैसे ही आज हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और पूरी नर्सरी के अंदर ये जिस हिस्से में हम चल रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये हमने लगभग 1 से 1.5 फीट ऊँचा रखा हुआ है ताकि हम पीछे तक नर्सरी में आसानी से आ सकें। और जो साइडों में जो जगह है वो आप देख ही रहे हैं, वो गहराई के अंदर है और वो सारा का सारा यहाँ पर पानी से फुल हो चुका है। ये अभी पीछे हम जा रहे हैं, यहाँ पे पैर फिसलने का थोड़ा दोस्तों खतरा है। और ये देखें, बस यहाँ से तो आगे हम जा ही नहीं सकते। ये पीछे आ गई नर्सरी की बाउंड्री और ये देखें सारा के सारा, जितना भी ज़्यादा हो सकता है उतना यहाँ पे पानी बरस चुका है। और अगर इतनी ही बारिश और आ गई तो मे बी जहाँ पे हम चल रहे हैं यहाँ पे भी पानी भर जाएगा और नुकसान भी हो सकता है पौधों का। तो वैसे तो पौधों के लिए ये बारिश अच्छी है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर और ज़्यादा बारिश आ गई तो नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमें यही दिखाना था। अगर आपको हमारी दिखाई हुई वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें आपके दिमाग में जो भी आए आप हमें कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।